हेलो गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी स्कूटी का जो है इंश्योरेंस और पोल्यूशन कैसे कराते हैं, लाइक आपको शायद पता होगा बट मुझे नहीं पता, बट इंश्योरेंस तो पता है बट पोल्यूशन का नहीं पता, बट वो दोनों चीज़ें मुझे करानी है आज स्कूटी की। और सो आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे करानी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके लिए। आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी और देखते हैं कि कैसे होता है। भाई ये देखो यार, बहुत भीड़ है, कुत्ते की तरह भीड़ है। हाँ तो यार, अभी भैया ने बताया कि 6 महीने की जगह 3 महीने हो गया है पोल्यूशन, तो 3 महीने का ही होगा। बाकी ये प्रीत विहार में है, प्रीत विहार पेट्रोल पम्प ये रहा। एंड अब बहुत देर लग रही है, एक घंटा तो लग ही रहा है भैया, खुद ही बोल रहे हैं 1 घंटा लगेगा लगेगा। धूप तो कैडी हो रही, कैडी तो गाइस मैंने पोल्यूशन करा लिया है एंड अब इंश्योरेंस करा रहा हूँ। पोल्यूशन के बारे में मैं आपको घर जाकर बताऊँ, बहुत भीड़ थी, इंश्योरेंस आराम से हो रही है यहाँ पे। एंड भाई बता देंगे क्या क्या करा रहे हैं एंड जो वैल्यू निकलेगी स्कूटी की वो भी बता देंगे। गाड़ी की वैल्यू है 38,300, क्योंकि एक्टिवा 4G है मेरी, 2-3 साल पुरानी। हाँ, और आपको अमाउंट 1574 पे करना है। 1574 ये इंश्योरेंस है, 1 साल का ना अमाउंट देना है आपको, 1500। हाँ ठीक है। इसमें गाड़ी आपका 100% कवर है थेफ्ट फायर वगैरह में, 100% कवर है अगर जो चोरी हो जाती है तो। हाँ ठीक है, ठीक है, बताते हैं पूरा 100% कवर है। ठीक है, टूट फूट का जो भी एक्सपेंसेस आएगा 50% आपको पे करना होता है, 50% कंपनी बियर करती है। जो चोरी होती तो नहीं, यहाँ टूट फूट का चोरी में 100%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें आपको पोल्यूशन भी PUC मैंडेटरी है। हाँ PUC आपको रखना है मैंडेटरी, अदरवाइज आपकी PUC वैलिड नहीं है और गाड़ी आपकी चोरी हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनियाँ क्लेम नहीं देगी। ये होता क्या वैसे PUC? पोल्यूशन सर्टिफिकेट। अरे पोल्यूशन सर्टिफिकेट चाहिए? हाँ वो मैंडेटरी है, वो नहीं होगा तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। 20 अगस्त से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, और ये अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 50% हमें पे करना पड़ेगा, 50% कंपनी पे करेगी। फुट का 50% कवर है। ठीक है, चोरी में 100%। एक साल का है, 1570 कुछ है ना? हाँ 1574। ठीक है, ठीक है। और 2 साल का कितना है? और 1 साल से ऊपर भी हो जाता है ना? हाँ 2 ईयर का भी हो जाएगा और 3 ईयर का भी हो जाएगा। ठीक है, 2 ईयर का कितना होता है? 2 ईयर का सर इसी का मल्टीपल 2 हो जाएगा। अच्छा, उसमें 200 और डिस्काउंट मिल जाएगा। और 3 साल का? उसी का मल्टीपल 3 और उसका 300 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तो यार ये अगर मैं 1 साल बाद कराता हूँ अलग से तो ये अमाउंट बढ़ सकता है क्या? क्या अमाउंट? हाँ इंक्रीज होना है। 1 साल का अगर मैं 1 साल बाद फिर से 1 साल बाद कराऊंगा अमाउंट बढ़ सकता है 1500 से? हाँ बढ़ भी सकता है क्योंकि इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट रिवाइज करती है तो इंक्रीज हो सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, इसमें बताइए मोबाइल। मोबाइल ने जो अमाउंट बताया था 1500 समथिंग, जो 1 ईयर का था, मैंने 2 ईयर का कराया और सिस्टम ने जनरेट करा है वो अमाउंट, तो मेरा अमाउंट आया 2 साल का, वो है 2,600 and 5,500। ये बहुत सही है, लाइक अगर आप चाहे तो भैया से भी करा सकते हो। और इनका अभी आपका कार्ड है भी आपका भाई? मैं भाई का कार्ड डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मतलब अभी ये भैया का कार्ड है एंड कॉल कर सकते हैं भैया को, बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। कोई 4-व्हीलर का भी हो जाता ना? हाँ तो ये यार, बाकी अब मैं घर जाके बाइक से पेपर्स लेके इंश्योरेंस के, अब घर पे जाके बताता हूँ कि पोल्यूशन में जहाँ वहाँ पे हुआ था जहाँ क्या क्या हुआ। बहुत बहुत ही ज़्यादा धूप थी भाई, कज़न से बहुत ज़्यादा जलन दे रहे हैं और मुझे कम से कम 1.5 घंटा लग गया वहाँ पे और 3 महीने का हुआ है। बाकी देखते हैं आप, बाय। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ एंड मैंने पोल्यूशन इंश्योरेंस दोनों करा लिए हैं एंड एक्टिवा 4G है मेरी स्कूटी और 71 रुपीज़ लगे हैं पोल्यूशन के। और मैंने इंश्योरेंस 2 साल की कराई थी जैसे मैंने आपको क्लिप में बता दिया। पोल्यूशन में आपको जो पोल्यूशन जो पुराने पेपर्स होते हैं ना पोल्यूशन के, तो वो आप सबमिट करा सकते हो, या तो आपके पास वो नहीं है खो गए हैं तो आप RC भी दे सकते हो उन्हें कि RC ले लो, तो वो RC से भी कर देंगे आपका। तो 71 रुपीज़ लगे हैं पोल्यूशन के और 10,000 रुपये चलान है उसके पोल्यूशन के, कसम से भाई बहुत बुरा हाल है चलान का तो। और इंश्योरेंस भी करा लिया है। बाकी यही है ब्लॉग आज का और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। See you. Bye-bye.